लगातार हो रहे पुल हादसों पर सियासत जारी है। पुल हादसों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपना कार्यकाल याद करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार से किस तरह से बिहार त्रस्त था आरजेडी के शासन काल में, जिसका आरोप अभी भी उनके ऊपर है। कई आरोप तो उनके परिवार के ऊपर साबित आरोप है, कोर्ट ने भी उसको मान लिया है, सजा दे दी है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो सुनने वाले लोग हंसेंगे। बाहर जा रहे हैं, कुछ खास काम है दिल्ली? नहीं नहीं, दिल्ली आना जाना क्या खास काम होता है, इसमें कोई खास नहीं। जा रहा है कि मिलेंगे बड़े नेताओं को? नहीं नहीं, क्यों, अभी कोई उस तरह की कोई बात तो है नहीं, मिलने जुलने की कुछ मतलब नहीं है इसका। आना जाना दिल्ली तो लगा रहता है, इसलिए इसको अलग नज़र से। ये चर्चाएं जो लगातार चली उपेंद्र कुशवाहा जी की, 11 सांसद जेडीयू के जो है बीजेपी के टच में है, आखिर ये बातें कहाँ से निकल रही है? ये आप ही लोग निकालते हैं और कहाँ से निकल रही, आप ही लोग निकालते हैं। आपकी भी पार्टी को डैमेज करने की कोशिश वाली बात हो रही है? नहीं नहीं, देखिए ये सब आप लोग कहाँ से, कौन सा सूत्र होता है जहाँ से ले लेते हैं, वो आप ही जाइएगा। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं, एनडीए में सब पार्टी अपने अपने हिसाब से काम कर। अनंत अंबानी की शादी में लालू का पूरा परिवार शामिल होगा, इसके लिए लालू परिवार मुंबई के लिए रवाना हो गया है। इसे लेकर जदयू प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि शादी के निमंत्रण में लोगों को जरूर शामिल होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को करप्शन पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, उनके पार्टी की विचारधारा का करप्शन पर ही उनकी पार्टी की विचारधारा आधारित है। इस पर क्या पॉलिटिकल रिएक्शन हो सकता है? आपके यहाँ शादी ब्याह होगा, हमको बुलाइए, हम भी आएंगे, लालू जी को बुलाइएगा, वो भी आएंगे आपके यहाँ। शादी ब्याह न्यायहित निजी मामला होता है और उसमें कोई भी किसी को भी निमंत्रण देते हैं, और सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में कोई पॉलिटिकल मतभेद नहीं होता है जी। तो चीजें बड़ी सुचारू होती हैं और लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये पुल जो लगातार गिर रहा है, उसमें तेजस्वी का ट्वीट है, 18 साल में ये सुशासन पर अब हमला कर रहे हैं कि करप्शन और पोस्ट गवर्नमेंट है। अभी करप्शन पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार उनके पास नहीं है, उनकी पार्टी की विचारधारा करप्शन पर बेस्ड है, उनके पिताजी सजायाफ्ता है, इतने न्यूमरस चार्जेस उन पर, उनके परिवार के सदस्यों पर, उनकी पार्टी पर है। जहां पुल गिरे हैं वहां जांच हो रही है, अधिकांश पुराने पुल हैं। तेजस्वी जी सोचते होंगे कि अपना राजनीतिक पुल इस माध्यम से बना लेंगे तो उनका राजनीतिक उनके हिसाब से है, उनके हिसाब से होगा ही, तो ये राजनीतिक पुल उनका ध्वस्त होगा। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि हमारे देश में सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की आजादी है। कोई भी मामला हो, 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार को कई बड़ी सौगात दी गई है। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि आगे भी केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को सहायता मिलती रहेगी। हमारे देश में सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बातों कहने की आजादी जाकर के, उसी आजादी के तहत यदि कोई बयान आया है तो सबको आजादी है बोलने की जाकर, और इस पर फैसला केंद्र सरकार करती जाकर के। यह विषय मतलब जो है, और वैसे मैं देख रहा हूँ जब से बिहार में और केंद्र में एनडीए सरकार हमारी आई है और माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के द्वारा बिहार को विशेष जो विशेष सहायता जो देने का काम किया है, 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया उन्होंने जाकर के, उसमें बिहार के नेशनल हाईवे 2 लेन से 4 लेन 4 सेक्शन करने का हो, गंगा नदी कोशी पर पुल बनाने का विषय हो, हेल्थ के मामले में नया एम्स दरभंगा बनाने का विषय हो, शिक्षा के मामले में, हर सेक्टर में, एरिगेशन में भी देख रहे हैं, रेलवेज में,